सो हे गाइस, अगर आपके पास कोई पुराना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पड़ा है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको एज ए सीसीटीवी कैमरा यूज़ कर सकते हैं। उसको आप अपने घर के बाहर सर्वेलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और इवन घर के अंदर भी आप उसको सेटअप करके सर्वेलेंस रख सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो कैमरा सेटअप होगा ये आपको फुल HD का वीडियो रिकॉर्डिंग देगा और जैसे ही कोई मोशन होता है या कोई साउंड होता है तो ये सब कुछ डिटेक्ट करके वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करेगा जिसको आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं। इस कैमरे का एक्सेस दोस्तों आप रिमोटली वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। इसका जो लाइव वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो फुल HD में आपके मोबाइल फ़ोन में आपको शो होगा और इसके अलावा दोस्तों आप इसमें पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइज, ये मेरा पुराना मोबाइल फ़ोन है जिसको मैं एज ए सीसीटीवी कैमरा बनाऊंगा। सो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पर आपको IP वेबकैम, ये आप देख सकते हैं IP वेबकैम का ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। सो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है क्लाउड स्ट्रीमिंग में और यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों अब हम इसके कैमरा का सेटअप करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं IP वेबकैम सेटिंग्स, तो वीडियो प्रेफरेंसेस में आपको जाना है। यहाँ पे आप मेन कैमरा का आपको ऑप्शन मिलेगा, मेन कैमरा लाइक आपके मोबाइल फ़ोन का बैक कैमरा यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप फ्रंट कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं मैंने प्राइमरी कैमरा बैक साइड में कैमरा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप इसमें फ्रंट कैमरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी कैमरा में दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्रंट कैमरा सिलेक्ट किया हुआ है। वीडियो रिजोल्यूशन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे वीडियो रिजोल्यूशन आपको मिलते हैं तो मैंने सबसे हाईएस्ट वीडियो रिजोल्यूशन को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद फोटो रिजोल्यूशन में भी सबसे हाईएस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो क्वालिटी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वालिटी आपको जो वीडियो का चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पे लैंडस्केप रखा है, आप पोर्ट्रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रेम रेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं तो 30 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा आपको फोकस मोड की सेटिंग देखने को मिलेगी, फ्लैश मोड आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको ऑटो किया हुआ है मैंने। इसके अलावा दोस्तों आपको जाना है मोशन एंड साउंड डिटेक्शन में, सो यहाँ पे अनेबल कर देना है मोशन डिटेक्शन को और रिकॉर्ड वीडियो को आप ऑन कर दीजिए। इसके बाद आपको जाना है ऑडियो मोड में, सो आप इसको अनेबल कर लीजिए ताकि आपका मोबाइल फ़ोन ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सके और आप इसमें जो कैमरा शूट कर रहा है आप ऑडियो भी उसका सुन पाएँ। सो एक बार ये सारी सेटिंग्स करने के बाद दोस्तों इसको वेबकैम बनाने के लिए आप ये 3 डॉट्स देख रहे हैं इन पे क्लिक कीजिए और स्टार्ट सर्वर पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद इसका कैमरा ऑन हो जाएगा जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो अब अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन में आपको क्या सेटिंग करनी है वो देखते हैं। सो अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जाना है दोस्तों प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको सर्च करना है iVideon और ये आपको सबसे ऊपर एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसको ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले अभी मैंने क्योंकि इसमें लॉगिन किया हुआ है इसलिए मुझसे नहीं पूछा है इसने, सबसे पहले आपसे ये लॉगिन ID और पासवर्ड पूछेगी तो जो आपने पुराने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन ID और पासवर्ड डाला है वो आप सेम यहाँ पे डाल दीजिए। और जैसे ही आप दोस्तों इसमें लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो आप इसको ओपन कर लीजिए और जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा लाइव कैमरा आपको देखने को मिलेगा। सो अब मैं इस कैमरा को अपने घर के बाहर सेटअप करके आता हूँ। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये मुझे लाइव व्यू दिख रहा है मेरी बाहर जो गली है वहाँ का विद साउंड रिकॉर्डिंग। इसके अंदर आप जूम भी कर सकते हैं, ये देखिए कैमरा जूम भी कर रहा है, कुछ भी आपको डिटेल देखनी है तो आप जूम करके चेक कर सकते हैं। सो मैंने ये कैमरा दोस्तों अपनी लॉबी में लगा दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अपने बच्चों के ऊपर सर्वेलेंस रख सकते हैं और ये जो वीडियो क्वालिटी है बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए अब जूम इन और जूम आउट आप देख पाएंगे अच्छे से। किसी भी एरिया में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं आप। इसका सेटअप मैं आपको दिखा देता हूं। सो
सो ये देखिए यहाँ पे ये कैमरा सेटअप है। और यहाँ से ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।